दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो गाइस आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी गाइस अच्छा हूं, तो मस्त हूं। तो करते हैं गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट एंड बने रहिए आप ब्लॉग में, मैं कंटिन्यू। तो आज सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। तो गाइस आज का जो मौसम है काफी अलग ही बोलते हैं, क्योंकि धूप भी नहीं आ रही है, क्योंकि बादल ही बादल है। तो बारिश की तरह होता है, मतलब जैसे कि बारिश लगती है, ऐसे लग रहा है। देखो यहाँ पे बादल बादल आ रखे पूरे उस पर, देखो सारे उसमें। एंड देखो सूर्य यहाँ पे आ रखा है, तो क्या ही बोले, मतलब धूप आ ही नहीं रही गाइस यहाँ पे। एंड खेतों में प्यारे से फूल एंड छोटे बच्चे इधर खेल रहे हैं। सक्षम हमारे सब्सक्राइबर हैं, रिश्ते में तो हमने आपको बताया था, हमारे कक्का श्री यानी चाचा जी भी हैं। एंड ये इनका प्यारा सा घर। तो गाइस बाकी डेली की तरह नॉर्मल ही है, जो भी होता है। दोस्तों जैसे आज मेरा जाने का प्लानिंग बन रहा है, तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से है लगभग, मतलब यहाँ से लगभग वहाँ पे 3-3.5 किलोमीटर। तो मैं पैदल ही जाऊँगा। और जैसे कि वहाँ पे है देवता का मंदिर, यानी कि गाइस मतलब उत्तराखंड में ज़्यादा यह मतलब परंपरा है, मतलब किसी परिवार का अपना कुल का देवता होता है, मतलब है पर्सनल देवता होता है, कुल का देवता होता है। तो जैसे कि हमारा है तो हमारा है रथ देवता, और जैसे पूरे गांव का होता है तो पूरे गांव की पूरी एक देवी होती है या पालकी भी होती है, देवता होता है, ठीक है। तो ऐसी मतलब सभी का होता है। तो आज जो हमारा कुल का देवता है रथ देवता, तो हम जा रहे हैं आज उसके मंदिर के पास। और वहाँ पे है ना थोड़ा सा, मतलब मेरे में जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, तब मतलब थोड़ा सा मतलब देवताओं ने बोला था कि मतलब आप अपने रथ देवता को भी रूट जो भी होता है भेंट करना। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, और काफ़ी यहाँ से मतलब 3.5 किलोमीटर करीबन दूर है। तो चलते हैं वहाँ पे, और अभी मैं यहाँ से अकेले जा रहा हूँ एंड पापा छानी जा के, तो पापा आ रहे हैं यहाँ से रास्ते तक, या तो मंदिर के पास मिल जाएंगे मुझे। तो चलते हैं गाइज, और बने रहिए ब्लॉगिंग में। तो चलते हैं, लेट्स गो। मैं जाने के लिए पूरा तैयार हो चुका हूँ, यानी रेडी हूँ। तो गाइज चलते हैं, और ये है हमारा सामान जो हमें रथ देवताओं को भेंट चढ़ाना है। तो चलते हैं गाइज एंड चलो मिलते हैं आपको सीधे आगे। गाँव से काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, तो यानी ये मेरा गांव है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है गाइस। एंड अभी सड़क भी आ गई यहाँ पे ऊपर, देखो सड़क भी आ चुकी है फाइनली। तो चलते हैं अभी यहाँ से, काफ़ी चलना सड़क की सड़क। तो गाइस थक काफ़ी लगती है, तो क्या ही बोले। तो चलते हैं गाइस, अभी सड़क की सड़क चलने का है, वो है करीबन गाइस 2-2.5 किलोमीटर पैदल। एंड उसके बाद भाई इसी खड़ी चढ़ाई है ना, सीधे चढ़ाईदार रास्ता है, फिर तो कभी नहीं होगा 1/2 किलोमीटर दूर। तो गाइस थकाफी लग रही है, चढ़ाई वाले रास्ते पे भी मतलब शूटिंग किया जा सकता, नहीं बोला ही नहीं जाता पहले। तो वह चलते हैं अभी, काफ़ी चलना है। मैं आ चुका हूँ काफ़ी आगे, यानी काफ़ी चल चुका हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे जाने को काफ़ी है। एंड गाइस है ना, ये दो सड़क जा रही है यहाँ से, तो हाँ एक नीचे के लिए जा रही है, एक ऊपर के लिए जा रही है। तो अब देखियो गाइस, ये जाती है हमारे छाने के लिए एंड भी जाती है, लेकिन पैदल जाते हैं यहाँ से, जाते हैं छानी एंड गाड़ी पे जाते हैं यहाँ से। तो आज मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा, तो यहाँ ऊपर साइड पड़ता है ऊपर साइड, तो अभी काफ़ी चला मेरे को। तो चलते हैं गाइस, एंड सुबह का मौसम है तो ठंड भी काफ़ी लग रही है। काफ़ी चल चुका हूँ और प्यास भी गाइस काफ़ी लग रही है एंड थक भी काफ़ी लग गई। तो कंप्लीट हुआ मेरा रास्ता, यानी जो सड़क है, तो यहीं तक हमारा सड़क का रास्ता। एंड अब मुझे जाना है इधर से ऊपर, तो गाइस यहाँ से मुझे ऊपर जाना है। तो चलते हैं गाइस ऊपर, और यहाँ से आगे जाना होगा छाने के लिए जाना होगा। तो
तो गाइस जब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो चढ़ाई वाला रास्ता है तो आराम से चलेंगे। तो मैं आ चुका हूँ सर से काफ़ी ऊपर ही आ गया, ज़्यादा ऊपर भी नहीं आया, फिर रास्ता नहीं मिल रहा गाइस। हाँ देखो सड़क तो यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ से मैं ऊपर आया इधर से, एंड आप रास्ता देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बेकार रास्ता है गाइस। तो यहाँ पे पता ही नहीं लगा रास्ता कौन सा है। देखो यहाँ पे गाइस यार बड़ा डर लग रहा है। तो ये एक रास्ते यहाँ से, तो मैं इससे आया इधर से, तो गाइस चलते हैं अभी कंटिन्यू। और जहाँ गाइस हम जा रहे हैं वहाँ का नाम है खत्याड़ गाँव, इनका नाम है यार खत्याड़ गाँव। तो चलते रहते हैं कंटिन्यू, एंड मुझे आते समय पापा दिख गए हैं, तो पापा भी आगे चल रहे ऊपर चले गए, तो वहाँ पे दिख गए, वो जा रहे हैं ऊपर, तो चलते हैं ऊपर। एंड गाइस यार रास्ता भी देखो ना, पत्थर ही पत्थर वाला है। अभी हमें जाना है यहाँ पे ऊपर गाइस, तो वहाँ ऊपर जाना भी टॉप है, तो चलते हैं। और थक भी काफ़ी लग गए गाइस, तो हमें अभी ऊपर जाना है, तो चलते हैं कंटिन्यू। क्या ही बोले गाइस, थक काफ़ी लग रही है, एंड पापा भी आगे चले गए, तो वहाँ पे आगे चले गए पापा, तो चलते हैं ऊपर। अभी यहाँ पे जाना ऊपर, चलते हैं गाइस, थक काफ़ी लग गई है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रथ देवता के मंदिर के पास। तो गाइस ये हमारा रथ देवता का मंदिर, तो मैं यहाँ पे दूसरी टाइम आ रहा हूँ, ये तब आया था जब ये मंदिर नया बनाया था, पहले से भी छोटा था, एंड अभी आ ही गया हूँ फाइनली यार बड़े मुश्किल से। जय रथ देवता। तो काफ़ी थक लगी, एंड पापा भी इधर ही पीछे गए आ रहे हैं पीछे से, एंड ये है पॉल गाँव का क्या काफ़ी प्यारा सा व्यू, देखो गाइस ये पॉल गाँव, एंड यहाँ पे नीचे है स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय पॉल गाँव, और हमारी जो छानी पड़ती है वो पड़ती है साइड पार जहाँ ये दिख रहा है लॉजिस्टिक के बगल में। तो चलो आ गए यहाँ पे फाइनली, पापा भी आ गए हैं, तो पापा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, एंड मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। देखो गाइस तो ये हमारे प्यारे से मंदिर का अंदर सा कुछ इस प्रकार से। देख लिया है मंदिर है कुछ इस प्रकार से, और अभी यहाँ पे हम करेंगे पूजा, एंड यहाँ से काफ़ी प्यारा सा व्यू भी आ रहा है गाइस। देखो यहाँ पे जो मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ मैं आपको कैमरे की सहायता से बता रहा हूँ। गाइस पापा ला रहे हैं पानी जो कि अभी यहाँ काम आएगा, एंड आज धूप भी नहीं आ रही है क्योंकि बादल ही बादल है, फॉकी फॉग लगे हुए हैं, और छानियाँ इधर, तो इधर हमारे गांव की जो छानियाँ हैं यहीं पे हैं, कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है कुछ वहाँ है, सारे जगह फैले हुए हैं। तो यहाँ पे गाय एंड जो पशु होते हैं उन्हें रखा जाता है, तो ये काफ़ी गर्म होती है छानियाँ। बाकी यहाँ पे भी पापा करेंगे पूजा। गाइस ये खुल गया है इसका मेन द्वार, और चलेंगे अभी पापा एंड मैं अंदर और करेंगे पूजा। तो कैसे लग रहा है पापा यहाँ पे फर्स्ट टाइम आकर? फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत बार। आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। तो सभी इनकी महिमा है गाइस एंड फ्रेंड्स, और ये लार के हैं इनके लिए भोग, तो इनको अभी यहाँ पे भोग चढ़ाएंगे फिर वापस चलेंगे। तो पापा यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? तो गाइस अभी
आधा घंटा लगेगा एंड उसके बाद चलेंगे घर पे। और ठंडा भी यहाँ पे काफ़ी, यानी बड़कोट के काफ़ी अलग है, बड़कोट में तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ठंडा है गाइस, यहाँ तो उतना भी नहीं है लेकिन है फिर भी। आज धूप नहीं आ रही इसलिए यहाँ पे भी ठंडा लग रहा है, कि ज़रा बांध के पेड़ देखो यहाँ पे बांध के पेड़, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और ऊंचाई एरिया में है। एंड यहाँ से ऊपर पड़ता है राड़ी टॉप, यहाँ पे हल्की सी बर्फ़ है, किस बार बारिश कम हुई है एंड बर्फ़ भी कमी पड़ी इसलिए नहीं है ना, तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती थी। एंड ये छोटा सा कुत्ता ले ले, तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर और अब यहाँ पे पापा जलाने लगे धूप पूजा के लिए। मंदिर के अंदर आ चुके हैं और अभी करते हैं हम पूजा, तो देख लीजिए अभी यहाँ पे पापा ने धूप जला ली है, तो चलो पूजा करते हैं। फाड़े हम सिरपल जो कि रद्रता के नाम पर भेंट है, तो फाड़ते हैं इसको। देखो गाइस हमने फा लिए फाइनली एक सिरपल एंड एक पापा हाँ भेंट कर रहे हैं देवी देवताओं को। एंड तो गाइस सिरपल फा लिए है और पूजा भी हो गई है कंप्लीट। अभी यहाँ पे थोड़ा दिया भरना है, अभी भर दिया है लगभग, मैं बाहर आ रखा था तो दिया भर दिया है, तो पूजा हो गई है कंप्लीट और अब चलते हैं यहाँ से वापस घर। तो ठंडी काफ़ी लग रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पापा। संपन्न और अब चलते हैं वापस घर पे, तो गाइस चलते हैं वापस। अब यहाँ पे माथम खा रहे हैं मज़े से, तो चलो गाइस चलते हैं वापस घर पे। तो गाइस अभी आ चुके हैं मंदिर से काफ़ी नीचे और अभी जा रहे हैं हम वापस घर पे, तो पापा सबसे आगे चलते हैं, अभी ऊपर आते समय भी आगे चले और अभी भी आगे चल रहे हैं। तो चलो अभी पापा जाएंगे सीधे डायरेक्ट छानी एंड अभी मैं यहाँ से जाऊँगा सीधे बड़कोट, तो पापा नाइट के समय आएंगे सीधे दूध लेके एंड मैं भी जा रहा हूँ, तो चलते हैं गाइस। तो अभी हम रोड पे पहुँच चुके हैं और तो पापा जा रहे हैं अभी छाने, जो कि छाने हमारे यहाँ से यहाँ पड़ती ऊपर और मुझे जाना है इस साइड एंड पापा को जाना है इस साइड, तो चलते हैं गाइस। और थक भी काफ़ी लग गई, ठीक है पापा सर। हाँ हाँ, तो पापा भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो पापा नाइट को आएंगे। काफ़ी आगे आ चुका हूँ और पापा चले गए हैं छानी। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इधर मतलब काफ़ी अलग ही है, मतलब आप रंग इधर क्या होगा अगर आप भी देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो ये है गाइस जी यहाँ पे चल रहा है टनल कार्य, यानी यहाँ पे एक सुरंग बन रही है जो कि इनमें आगे पड़ती है, तो यहाँ पे जो उनके मतलब रहने का व्यवस्था पिकअप है वो यहीं पे है, तो यहाँ जो लेबर लूबर होती है उनकी काम करने वाली यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सा है यार बना रखा उन्होंने। और बाकी अभी टनल काफ़ी बन चुकी है और देखते हैं 2-3 साल में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पे एंड माई माई पापा चले छानी एंड गाइस भूख भी काफ़ी लग रही है, यहाँ देखो ये खा रहा है मातम एंड बाकी गाइस अभी खाते हैं कड़ी एंड चावल खाते हैं, यार भूख काफ़ी लग रही है एंड साथ में आंवला का अचार, तो चलो खाते हैं फिर मिलते हैं आपको, ठीक है गाइस। फाइनली खाना पीना भी हो गया है और अभी मौसम भी वैसे के वैसा ही है, तो यहाँ पे कितना छोटा लग रहा है, देखो यहाँ पे इतना छोटा लग रहा है यार सूर्य, तो मौसम बारिश का हो रहा है, तो यानी आज शाम तक या रात के लिए बारिश ज़रूर लगेगी, देख लेना गाइस ज़रूर बारिश लगेगी एंड बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो देखो यहाँ पे, तो दोस्तों अभी ठंड भी काफ़ी हो रही है यहाँ पे, काफ़ी ठंडा लग रहा है, यही बोलेगा। ओए नाइट, और अभी मम्मी बना रही है खाना एंड पापा भी आ गए छानी से। बाकी गाइस अभी बाहर बारिश हो रही है, मैंने बोला था गाइस कि बारिश का मौसम हो रखा है, तो अभी फाइनली बाहर बारिश होने हो रही है बहुत ज़्यादा एंड बाकी गाइस आज के ब्लॉग में काफ़ी खास नहीं बना पाया, बस नॉर्मली था यहाँ आज हम गए थे ये रद्रता के मंदिर के पास एंड बस वहीं गए, इधर आए पूजा की वहाँ पे पापा में, उसके बाद इधर आ गए, तो पापा वहाँ छानी गए, मैं बड़कोट आया। बाकी गाइस करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड
एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जो है उसको प्रेस करें, एंड वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में।